स्वागत है आप सबका अंतस योग चैनल पर। अगर आपका वज़न भी 100 kg प्लस है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम ऐसी एक्सरसाइजेज शेयर कर रहे हैं जिसे आप देखकर प्रैक्टिस हर रोज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के टाइम बहुत सा आलस आता है तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें दोनों हाथों को वन बाय वन करके एक एक साइड लेकर जाएंगे। ध्यान रहे कि वार्म अप करने के लिए अपने श्वासों को एक साथ रखें। कोऑर्डिनेशन के साथ जैसे ही आप हाथ को आगे लेके जाएंगे एक्सहेलेशन होगा और वापस लेकर आएंगे तो इनहेलेशन। इसी का एडवांस वर्जन दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और फिर पीछे आएंगे। इस एक्सरसाइज से आपकी लंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी, आपकी पूरी पूरी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजनेट हो पाएगी। ध्यान रहे अगर इस एक्सरसाइज को आप खुले वातावरण में करेंगे तो उसके फायदे अनेक हैं। और ये हम आ गए एक्सरसाइज 3 पर, जिसमें हमें पाँव की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो हम एक एक पाँव को रोटेट करेंगे हवा के अंदर, दोनों हाथों को हिलाते जाएंगे। लाइट वार्म अप के बाद बारी आती है एक्सरसाइज 4 की, जिसके अंदर दोनों हाथों और पैरों का उपयोग होगा। एक एक हाथ आप ऊपर लेकर जाएंगे और एक एक पैर आप पीछे लेकर जाएंगे, जिसमें हेड टू टो आपकी हर एक मांसपेशियां ऊपर तक जाएंगी, स्ट्रेच होंगी, स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। ध्यान रहे जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप श्वास भरते हुए पैर को स्ट्रेच करेंगे, हाथ को स्ट्रेच करेंगे, एंड सेम विद द अदर साइड। वीडियो के इस पॉइंट तक आकर अगर आपकी बॉडी पूरी वार्म्ड अप है तो आप जंपिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक लेग को पूरा पूरा उठाते हुए, दोनों हाथों को नीचे से टच करते हुए, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ, लोअर बॉडी फैट के लिए, बेली के लिए, हिप्स के लिए, थाइस के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज कवर करते हुए स्टैमिना को बिल्ड करना है। 50 to 100 रेपिटेशन आप कर सकते हैं इसमें। यह है एक्सरसाइज 6, अगेन अनदर स्टैंडिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए, एक्सहेल करते हुए नी टच। ये है स्लोअर वर्जन। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है ज़्यादा तो आप इसको आराम आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका बैलेंस कंप्लीट बन जाता है तो एक पैर को आप उठा के होल्ड करेंगे, ना होल्ड कर पाने की स्थिति में आप वॉल का भी सहारा ले सकते हैं। और ये रहेगा आपका एडवांस वर्जन एक्सरसाइज 6 का। अगर आपके घुटने स्वस्थ हैं तो आप इसको फास्ट जंपिंग के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। 50 to 100 रेपिटेशंस।
आते हैं हम एक्सरसाइज 7 पर, जिसमें आर्म्स की टोनिंग, अपर की टोनिंग के लिए आप दोनों हाथों को एक्सपैंड करेंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों हाथों को एक साथ रिदमिक पैटर्न में। एडवांस वर्जन, अगर आपका स्टेमिना है इतना तो आप जंपिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट फैट, बेली फैट कवर होगा। ध्यान रहे, अगर आपको नी पेन ज़्यादा रहता है, पैरों में दर्द ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर आप एडवांस वर्जन अवॉइड करें, जंपिंग को अवॉइड करें। कूल डाउन एक्सरसाइज जंपिंग के बाद, स्पाइन को रिलैक्स करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों हाथों को साइड बाय साइड लेकर जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, एक्सहेल एंड इनहेल। प्रैक्टिस करें इसको एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स। जिन व्यक्ति को आप सामने देख रहे हैं, ऑन द राइट साइड शी इज 63 ईयर ओल्ड सतनाम जी, जो हमारे साथ अंतस योग रिट्रीट पर ज्वाइन करे थे एज अ पार्टिसिपेंट। आप देख सकते हैं 60 प्लस में भी इनकी बॉडी कितनी एक्टिव है, और यही सिंपल एक्सरसाइज करते करते ही इन्होंने अपनी बॉडी को एक्टिवेट किए रखा है। 8 to 10 केजीज इन्होंने लूज़ किया है ऑनलाइन क्लासेस द्वारा, और आप देख सकते हैं इनका फिटनेस लेवल